ओके हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे यसदी बाइक्स। फाइनली यसदी ने अपने 3 जबरदस्त मॉडल लॉन्च कर दिए, रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर। उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं खास आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत गंदे तरीके से बढ़ रहा है, तो प्लीज़ घर पर रहे, सेफ रहे, वैक्सीन ले लें अगर नहीं लिए है तो, और टेस्टिंग करवाते रहे, और आपकी और आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और सेफ रहें। सो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है इन 3 वेरिएंट्स में अलग सा क्या हमको मिलने वाला है और किसके साथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वो रेड वाला बटन ऐसे उसको दबा दो। एंड अगर इस बाइक को लेकर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए नीचे, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आ सकता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, फाइनली यसदी ने लॉन्च कर दिए अपने 3 बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बाइक्स। नॉस्टैल्जिया में ले जा चुके हैं आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके पापा को स्पेशली जाके ये बोलना है कि पापा यसदी रिलॉन्च हुआ है। और उनका जो रिएक्शन है उसका एक वीडियो शूट करके मुझे इंस्टाग्राम पर भेजो, मैं वो वीडियो अपनी स्टोरी में डालूंगा, क्योंकि ये उनके ज़माने का बाइक है और इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम पर। तो यसदी जो था वो एक मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही जल्दी राजदूत भी लॉन्च हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से ये लोग ना, मतलब जावा यसदी मे बी। सो चलिए बाइक पे आते हैं। तो 3 बहुत ही ब्रिलियंट मॉडल्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए और यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही होगी। जब से ये इमेज मैंने देखी है ना, तब से मेरे दिमाग में था कि भाई क्या आने वाला है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इन 3 बाइक्स के लिए। मुझे नहीं पता था कि 3 बाइक्स होने वाले हैं, मुझे लगा कि 1 या 2 मॉडल्स शायद आएंगे वेरिएंट्स में। सो यहाँ पर टोटल 3 मॉडल्स लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं क्रूजर की, जो कि रोडस्टर बेसिकली एक आप अगर कंपेयर करो तो थंडरबर्ड या फिर मीटियोर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, तो उस सेगमेंट का एक क्रूजर मशीन आपको मिलने वाला है। उसके अलावा एक स्क्रैम्बलर आने वाला है, डुकाटी स्क्रैम्बलर, और एक आने वाला है एडवेंचर वेरिएंट जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखता है हिमालयन से। मतलब छाप दिया है, मतलब सीरियसली, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तीनों में ही आपको जावा वाला ही इंजन मिलने वाला है। 334 cc का इंजन यहाँ पर होने वाला है, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक और ऑयल लिक्विड कूल होने वाला है, DOHC इंजन यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर आपको जो पावर है रोडस्टर के अंदर वो आपको मिलने वाली है 39.7 PS, यानी कि 39 BHP का आपको यहाँ पर पावर मिल रहा है 7300 RPM पे। उसके अलावा अगर स्क्रैम्बलर की मैं बात करूँ तो स्क्रैम्बलर में भी आपको सेम 29 BHP का पावर मिलने वाला है। टॉर्क जो होने वाला है वो रहने वाला है 28.2 Nm का टॉर्क होने वाला है। और मैं बताना भूल गया, रोडस्टर के अंदर सेम आपको 29 Nm का टॉर्क भी रोडस्टर में भी मिलने वाला है। और एडवेंचर की बात करें यहाँ पर, तो एडवेंचर में थोड़ा सा पावर पंप किया गया है अकॉर्डिंग टू दी एडवेंचर वेरिएंट, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होगा तो ज़्यादा कुछ इतना इफेक्ट नहीं है, बट 30.2 PS 30 BHP का पावर आपको एडवेंचर वेरिएंट में मिलने वाला है। और यहाँ पर टॉर्क की बात करें एडवेंचर वेरिएंट में, तो आपको 29.9 Nm का टॉर्क यहाँ पर 6500 RPM पे मिलने वाला है। ये सारी की सारी डिटेल्स ना आपको नीचे यहाँ पे दिख रही है, तो डोंट वरी, अगर कुछ मैं बोला और आप दिमाग में नहीं बैठा तो दैट्स रियली फाइन। अब बात कर लेते हैं टैंक कैपेसिटी की, कि किस में कितनी कैपेसिटी मिलने वाली है। यही कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो इन सेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि स्क्रैम्बलर और एडवेंचर में फ़र्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फ़र्क होता क्या है मेरे हिसाब से, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपका जो रोडस्टर है उसकी आपको टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है 12.5 लीटर्स की टैंक यहाँ पर आपको मिलने वाली है। वहीं पर आपका स्क्रैम्बलर की बात करो तो स्क्रैम्बलर में भी आपको सेम 12.5 लीटर्स की टैंक मिलने वाली है। और अगर एडवेंचर की बात करें 15.5 लीटर्स का टैंक मिलने वाला है। डिफरेंस बेसिकली एडवेंचर और स्क्रैम्बलर में होता है, पूरा एक अलग से वीडियो भी बन सकता है, पर मैं बेसिक से बता देता हूँ। स्क्रैम्बलर बेसिकली ज़्यादा फन टू राइड बाइक होता है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप ले जाके फॉर फन आप राइड कर सकते हो। एडवेंचर इज स्पेशली फॉर एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग, आप कहीं पर टूरिंग पे जा रहे हो, एक अनइवन रोड है, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बट इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन ज़्यादा डिटेल में होनी चाहिए, जैसे कि टायर की साइज़ और टैंक कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। उसका टॉर्क, पावर, ये सब काफ़ी मैटर करता है स्क्रैम्बलर को और एडवेंचर को ही अलग करता है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए स्क्रैम्बलर वर्सेस स्क्रैम्बलर और एडवेंचर के बीच में डिफरेंस का, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली वो वीडियो दे दूंगा। अब बात कर लेते ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर तीनों बाइक में
ड्यूअल चैनल ABS आपको मिलने वाला है और बहुत ही अच्छी बात है ये। ओके गाइस, तो टायर साइज की बात कर लेते हैं तीनों की तीनों बाइक्स में। तो यहाँ पर आपको जो रोडस्टर है उसमें 198 के रियर टायर फ्रंट टायर मिलने वाला है, और रियर में आपको मिलने वाला है 130/80/17 का रियर टायर आपको मिलने वाला है। आगे का टायर थोड़ा सा आपको बड़ी साइज में मिलने वाला है। और अगर बात करें स्क्रैम्बलर की, तो स्क्रैम्बलर में अभी आपको सेम 190/19 का टायर मिलने वाला है, जो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली एडवेंचर स्क्रैम्बलर थोड़ा सा सिमिलर प्लेटफॉर्म पर ही चलते हैं, और यहाँ पर रियर टायर जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। पीछे आपको मिलने वाला है 140/70/17, यहाँ पर 17 जो है रेडियस है। और बात करें एडवेंचर वाले की, तो एडवेंचर में आपको मिलने वाला 90/90/21 का रिम आगे फ्रंट में, जस्ट लाइक अ हिमालयन। हिमालयन में भी सेम टायर साइज है, 90/90/21 का फ्रंट टायर मिलने वाला है। रियर में आपको 130/80/17 का टायर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और ये सारे के सारे ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं, और ABS दोनों ड्यूअल चैनल ABS होने वाले हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कंसोल की। तो यहाँ पर आपको ऑल इन वन कंसोल मिलने वाला है, जिसमें आप फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो, आपका मैप दिखने वाला है, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर कंसोल में होने वाले हैं। आपको आपको इमेज दिख रही होगी, और मैं रियल लाइफ वीडियो जब बनाऊंगा तब इन डिटेल आपको बताऊंगा कि कंसोल में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अभी के लिए आप इमेज से देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हो, और क्लेम कर रही है कंपनी कि आपको बहुत सारे वेरियस फीचर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। USB चार्जिंग पोर्ट भी तीनों की तीनों बाइक्स में यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि मेन पार्ट है इस बाइक का, और वो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर एक्स शोरूम दिल्ली की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंपेयर कर सकते हो आपकी सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस जो एडवेंचर वेरिएंट है उसका होने वाला है 2,09,000 से लेकर 2,18,000 तक। उसके अलावा अगर बात करें स्क्रैम्बलर की, तो आपको वो 2,04,000 तक बाइक मिल जाएगा स्क्रैम्बलर वाला, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। मुझे यार स्क्रैम्बलर देख के मेरे तो पानी आ गया मुझसे। बात कर ले रोडस्टर वाले मॉडल की, तो रोडस्टर में यहाँ पर आपको 1,98,000 से लेके 2,06,000 तक में आपको एडवेंचर वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर द YZD मोटरसाइकिल्स। लाइक मतलब ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था कि कल ही बाइक लॉन्च हुआ है, और आज मैंने सोचा कि किस तरह से इस बाइक को मैं एक्सप्लेन करूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया बोल्ड डिसीजन था YZD का अभी लॉन्च करने का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बाइक्स मुझे अभी तो दिख रहे हैं, और ऑलरेडी मेरी कंपनी में भी बात चल रही है कि वेरी सून हम लोग रोड रिव्यू भी करेंगे इस बाइक का। आप कमेंट करो आपको किस तरह का रिव्यू, कौन सी बाइक का रिव्यू आपको पहले चाहिए, रोडस्टर स्क्रैम्बलर या फिर एडवेंचर का, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी का मैं पहले बनाऊँ। और दूसरी एक चीज़ एक और कि मैं कंपेरिजन वीडियो भी बनाने की प्लान कर रहा हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करो, कमेंट करो नीचे कि आपको किस कौन सी बाइक के साथ किस बाइक को कंपेयर करना है। बेसिकली रोडस्टर के साथ आप एवेंजर ले सकते हो, या फिर आप थंडरबर्ड ले सकते हो, या फिर आप अगर स्क्रैम्बलर की बात करो तो स्क्रैम्बलर एक लौता बाइक नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, होंडा RS 350 है इसके कंपैरिजन में। उसके अलावा एडवेंचर की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एडवेंचर 390 है, एक्सपल्स भी है जो कि काफ़ी अंडर पावर बट स्टिल वो है, तो प्राइस में भी काफ़ी कम है, तो उसको भी हम लोग ले सकते हो। और हिमालयन तो सीधा सीधा कंपैरिजन में यहाँ पर आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बिल्कुल भी मत भूले सब्सक्राइब करना। बहुत ही जल्दी हम लोग 9K फैमिली कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब इस महीने में करा दो रियली। तो बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छे बुरे कोई भी कमेंट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने सब बोला था कि अगर आपको मुझे व्यूज़ नहीं देना है तो नीचे लग दो क्विट यूट्यूब #, वो चला दो। एक बंदे ने लिटरली ऐसा किया है, मतलब यार थोड़ा तो मौका एक आधा तो दे दे मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट एवरीवन। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।